जरूर जाने दो मुझे। इसे हाथों से मेरे भाभी को छुआ था मैं। ये हाथ अपने भाभी को किस किस अंग पर लगाया था तू? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे कुछ नहीं किया। जिसके दरवाजे जाए जाए तो रोटी का तुझे कोई सहारा नहीं देगा फिर।
नहीं है पिताजी, पिताजी मैं छोड़ दीजिए पिताजी। नहीं ऐसा हो सकता, आज तुझे भेजता हूँ तेरी माँ के पास, जहाँ तेरी माँ खुश होती नहीं है वहीं पे तू तेरी बिगड़ा है। ये बता तुम कुछ कौन मारे हो भैया? मुझे जागो दूसरा कोई नहीं, हमने तो तेरा बाप कंतराज भैया। मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, मैं तेरे यहाँ करूंगा, तुम ठीक हो जाओगी बहन। तुम मेरी बहन हो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बहन। मेरी सभी बहन को चाकू से गोद गोद करके छल्ली करके मार डाला। आज मैं अपनी सभी बहन की खून की कसम खा के कह रहा हूं, सबसे पहले तो मैं जा रहा हूं, सबसे पहले अपनी बहन बिना गलती मैं सरकार करूंगा, सीधा चंबल जाऊंगा। आज ये विरोध नहीं, आज ये विरोध नहीं बल्कि शंकर सिंह डाकू के नाम से जाना जाएगा। शंकर सिंह मेरा नाम नहीं है, देखता हूं सारे तो मुझसे पत्नी कहा जाता है। कहाँ रह जाते हो साहब? ये लड़की को महिला हवाले किया गया था। हाँ। ये बहुत मार गई, बहुत लेकिन कोई बात मत बताई नहीं, मतलब बार बार बात बता रहे कि मैंने फोन नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया था। अरे ये बता, उल्टा सीधा बोलता है कौन सी कास्ट है साहब? हाँ मैं बहुत बड़ी कास्ट हूँ। कौन सी कास्ट है तू? ब्राह्मण है? नहीं साहब मैं उसी में ऊंची जात हूँ। अरे उससे कौन ऊंची जात करती है? ठाकुर है और नावत बड़ी जात है। अरे यादव है और नावत बड़ी जात है। पटेल होगा पटेल में है साहब, पटेल तो आलू हटा गया थी। अच्छा अब कौन बड़ी जात है? अरे उससे कौन सी जात होती है साहब? हम तो बताई साफ साफ बता दे। हम फांसी ये ऊंची कास्ट है साहब? एक जनता नहीं फांसी।
कितना बड़ा छतरी होती हाँ कितना बड़ा एक सवेरे उठते मान अच्छा सवेरे उठते मान चार 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 चूजर की भैंस पाले उजर की भाई चार चार थी उन्होंने उन्होंने ढील गई थी ढील दे थे अलकर लेचा ले जंडा अलकर चाहे लग ढेर ले थे इतना चलाई थी इतना घुमाई थी अच्छा। लेकिन साहब लड़के खाए तो माथा तन के बना होता है अबे भाई क्या क्या किया चार भाई यहाँ लड़का जो है माथा नहीं बोलते ना साहब दूध नहीं बोलते ना साहब अबे कौन सी भाई है बे कौन सी भाई है अरे हाँ कौन भाई हाँ हमारा जवान भाई साहब की तीन महीने बच्चा देखी तीन महीने में नौ नौ दस दस बच्चा देखी बच्चा इसका मतलब सारे तो लोअर पार रखा है क्या बे सारे साफ साफ क्यों नहीं बताता हाँ ये जो महिला है हाँ ये जो है कि कोई बात नहीं बुखरी बुखरी नहीं पे कोई बात नहीं कर रही यही कह रहे की मैं निर्दोष हूँ मुझे साहब जो बच्चे की इलाज में उसका रिपोर्ट मार्टन हुआ रिपोर्ट आई और उसमें इसके हाथों का निशान नहीं मिल रहा है ये निर्दोष साबित हो गई है और साहब मैं अभी से जो है की नौकरी से रिजाइन दे रहा हूँ मैं छुट्टी चाहता हूँ चलो कोई बात नहीं लेकिन टाइम से आ जाना नहीं साहब हमारी घड़ी सऊदी आई पड़ी बैठे हमारे मेरा रुपया जल्दी चल आइया हम घर के काम धंधा कर लेते सऊदी आई बैठे मतलब औरत को बच्चा पैदा हुआ है हाँ साहब वो बाहर का काम करेगी और तू सऊदी आई में बच्चा रखे ठीक है पूरा काम करना पड़ेगा हमारे उल्टा उल्टा नहीं होता सीधा होता है तुम समझ नहीं पा रहे हो ठीक है साहब ये आगे हमारे विनोद कुमार श्याम भैया जो कि आगे वाले देवरा तिल का तालिक रहने वाले हैं अच्छा ये पुरस्कार किसी विश्व अवसर पे रामायण कीर्तन और जागरण करवाने के लिए संपर्क आर्टिस्टा भी करते हैं विनोद कुमार श्याम भैया हमारे बड़े धन्यवाद करके साथ मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ ये बता कौन सा ऐसा कारण था कौन सी ऐसी तकलीफ थी जो कि तूने अपने ही बच्चे का खून कर दिया ये तुम क्या कह रहे हो साहब मैं एक माँ हूँ साहब अपने मुर्गे कैसे खून कर सकते हो ठीक है लड़की मैं भी यही समझ रहा हूँ कोई भी माँ अपने ही हाथों से अपने बच्चे का खून नहीं कर सकती लेकिन अब तक तो मैं सोच रहा था कि मेरी बहन बिजली कब मिल जाए मुझसे लेकिन वो बात तो पीछे रह गई अब मेरे दिमाग में है कि इस बच्चे का खून कौन किया है जब तक इस बच्चे के खूनी का मैं पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा क्योंकि मेरा नाम इंस्पेक्टर विजय है और कि अब तू यहाँ से बहुत दूर चली जा और जाने के बाद कोई ऐसा गंदा कदम ना उठाना कहीं पर जहर ना खाना फांसी मत लगाना तू साहस की जिंदगी जीना और मैं तेरे बच्चे के खोने का पता जरूर लगाऊंगा और पता लगा के उस खोने को सजा जरूर दिलवाऊंगा क्या भगवान मैं क्या सुन रही हूँ जैसे मेरे भैया का आवाज आ रही है खबरदार इस औरत के हाथों से हथकड़ी खोल दो क्या बताऊँ मेरे भाई का नाम विजय है